ओए हो, दोबारा दोबारा दोबारा। मिकी माउस, मिकी माउस। लेकिन खरगोशों के साथ रह रहे ना, बिल्ली के साथ भी रहना सीख गया। बिल्ली तो मेरे पास थी बचपन में बहुत। हाँ, बहुत सारे काम बचपन में किए तुमने, बड़े होके क्या किया तुम ये बताओ। अभी तो बचपन ही चल रहा है, बड़ा काम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? तो फाइनली स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है भाई, मस्त सुहाना मौसम हो रखा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और धूप में बहुत ही अच्छी ही गर्माहट है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप सर्दियों में धूप में खड़े होते हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे तो भाई इंतज़ार है कि मैं जल्दी से ऑफिस पहुँचूँ और उसके बाद जब थोड़ा सा ब्रेक मिले तो बाहर आके थोड़ी सी धूप का मज़ा लिया जाए। और यार रोज़ सोचता हूँ ग्लव्स पहनूँ बट मैं घर जाके भूल जाता हूँ। तो आज शाम को जब इसे एडिट करूँगा तो मुझे याद आ जाएगा, उस टाइम पर मैं अपने ग्लव्स निकालूँगा। वैसे ग्लव्स निकले हुए हैं बट वही ये भूल जाता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ रखे हैं, अलमारी के किसी कोने में होंगे। जब ये जो मेरा हेलमेट है, ये हेलमेट जिसमें गोप्रो लगा हुआ है, ऑफिस जाने के लिए मैं इसको नहीं पहनता था, ब्लैक वाला जो आगे से ओपन होता है मैं उसे पहनता था। बट जब मैंने सोचा कि अब मैं डेली व्लॉग्स करूँगा तो उसके बाद मैंने ये हेलमेट पहना। भाई शुरू के एक हफ्ते मेरे लिए बहुत टफ हो गया था, क्योंकि एक साल बाद इतना टाइट हेलमेट पहन रहा था मैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक तो बाल बड़े हो चुके हैं और GoPro के साथ वेट हो जाता है कैमरे में और हेलमेट भी हैवी है, तो बहुत टफ हो गया था। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं इससे फ्रेंडली हो चुका हूँ, अब मुझे इतना भारी लगता नहीं है। भाई तुम ही तो मेरे डेली के कंटेंट हो। परेशान कर देते यार, पैसे हमें मिलने नहीं, कुछ मिलना नहीं, ना पार्टी ना कुछ। और ये आया भाई विपिन। ओ भाई ब्लाउज पहन के आया पॉजिटिव। भाई इस टी शर्ट की जरूरत तुम्हें नहीं, इस बंदे को है। मुन्मुन नाम है इसका भाई। क्या नाम है? अरे कोई मुन्मुन नहीं है, अभी मुंह पे झपट्टा मार देंगे ना सारे, मुन्मुन हो जाएगा सारा मुंह का, मुन्मुन बन जाएगा। चली गई ना तो गई भाई, अपने हिसाब मूडी होती बिल्ली। अरे यार चलो तुम तो उड़ जाओ, लेकिन खरगोशों के साथ रह रहे ना, बिल्ली के साथ भी रहना सीख गया। बिल्ली तो मेरे पास थी बचपन में बहुत। हाँ, बहुत सारे काम बचपन में किए तुमने, बड़े होके क्या किया तुम ये बताओ। अभी तो बचपन ही चल रहा है, बड़ा काम। तो भाई शाम हो गई, 6:30 बज गए, घर जाने का टाइम, बट आज मैं घर नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक नई जगह लेके चलता हूँ आज, जहाँ पे दीपक भाई है, उसने लिए BMW, तो आज आपको बाइक दिखा के लाता हूँ उसकी। तो यार ये देखो, ये ब्लैक एंड ये वाइट, और ये दोनों घोड़े हमारे हैं, ये भी और ये भी, मस्त लग रहे हैं ना दोनों दोनों। क्या हाल चाल है? कहाँ से आ रहे हो भाई? क्या हाल है दीपक भाई? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। ये हीरो लग रहे हो। हाँ भाई हीरो, क्या हाल है? बढ़िया। ओए हो, दोबारा दोबारा दोबारा। बढ़िया। अभी तक मैं यहाँ पे खड़ा था बट मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं आया कि मैं ये वाली लाइट जला लूँ, मैं अंधेरे में वीडियो बना रहा था। सो गाइस ये हैं भाई दीपक भाई, ये इस बाइक के ओनर हैं। तो दीपक भाई बताएंगे इस बाइक के कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ ख़राब चीज़ें। सबसे पहले अच्छी चीज़ें बताओ। तो जैसे तो अभी तो एक महीना हुआ है, एक महीने का एक्सपीरियंस है मेरे को, वो बता देता हूँ कि मैंने पहले ये रॉयल इनफील्ड से अपग्रेड किया है इसको, तो उसके हिसाब से तो मेरे लिए बहुत सही है। तो पहली तो है इसकी ब्रेकिंग, एकदम A1 क्लास की है, पिकअप के मामले में बहुत सही है। इसकी माइलेज क्या है? माइलेज इसकी अराउंड 20 से 25 के बीच में ही है। दूसरी सिटी में राइड कर रहा हूँ, ट्रैफिक वैफिक होता है, तो मतलब मेरे हिसाब से तो 20-25 ही है एक्चुअल, मतलब देखी नहीं मैंने थी। अच्छा ठीक है, फिर हम आते हैं हाइट पे। हाइट पे मैं बंदा कम से कम मतलब 5'9" 5'10" का अराउंड होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ठीक थी, सही रहेगी। मतलब मेरे लायक और अजय के लायक बिल्कुल भी नहीं है ना, चला तो उस पर कूद के चलना पड़ेगा। कोई नहीं कूद लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सीट हाइट का है, बाकी कॉन्स में है थोड़ा वाइब्रेशन है, मतलब आप 100 के पार जब जाओगे तो वाइब्रेशन आपको मिलेंगे इसमें। इसमें भी है कि आप 100 पार करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी इसमें भी। और इसकी हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग मैनूवर इसका बहुत सही है, सिटी राइड्स के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है, काटने वाटने में ट्रैफिक में कुछ इशू नहीं है। और जो आपने ये लगाया है
है ना, विंड वाइजर। तो ये आपके मतलब आपके फेस पे कितना इफेक्ट करता है? अब मेरे को हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो इतना फर्क, मेरे को तो फर्क नहीं लगता कि हाँ मतलब शो के लिए लगाया हुआ, बाकी इतना फर्क नहीं पड़ता। इतना फर्क नहीं पड़ता ना। और अगर आप रोड पे चलाते तो आपको कैसा लगता है, लोग आपको देखते नहीं देखते? लोग देखते भी हैं, पूछते हैं हाँ भाई कितने की लिया आपने भाई ये कितने की पड़ गई टोटल आपको? टोटल जैसे मेरे को पड़ गई ऑन रोड मतलब 395 के राउंड मतलब पड़ गई है। अच्छा 395 की मेरे को पड़ी है। और ये सब जो आपने लगाया जाना का है ना, अराउंड मैं 22,000 रुपये के इसमें और मॉडिफिकेशन करा देता हूँ। मोटा मोटा 4,00,000 पार हो गए। 4,00,000 पार हो गए ना। 4,00,000 पार हो गए तो भाई बाकी सस्पेंशन में A1 कह रहे हो, तब इसके सही सस्पेंशन है नहीं किसी। अजय भाई आप क्या कहना चाहोगे बताओ? भाई मेरे को बाइक की भी नॉलेज तो है ना। गाड़ी की बता दो। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी की बता दो। ये अजय भाई की गाड़ी खड़ी है और वो भी अजय भाई की गाड़ी खड़ी, दो गाड़ियों का मालिक है, है ना। मैं इसको एक बार लंबी राइड पे ले जाऊँ। कहाँ जाओगे? अपडेट देता हूँ। कहाँ जाओगे? लंबी राइड इसकी जहाँ तक है कि मैंने सुना आपकी कुछ आप मनी मन में कुछ प्लान कर रहे हो लेकिन किसी को बता नहीं रहे हो। इसकी लंबी राइड मेरे हिसाब से तो नेपाल है, नेपाल ही होगी। नेपाल जाओगे इससे? पक्का? अच्छा कुछ एक ऐसी चीज़ बताओ इसके बारे में जो और बाइक्स के मुकाबले आपको लगा कि इसकी सबसे बेस्ट है। रोड अपीयरेंस में तो है टॉप क्लास। वो तो BMW है, स्टीकर ही बहुत है, नाम है इसलिए, नाम ही बहुत है ना। खतरनाक वीडियो वाला बंदा है। सो भाई फाइनली एक बार इस बाइक का लेते हैं टेस्ट। जब मैं उस दिन आया था तो इस वाली बाइक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट आज मुझे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दीपक भाई चले गए भाई अपनी BMW से एंड फाइनली मैं अपनी हिमालयन पे बैठ चुका हूँ और अजय भाई अपनी गाड़ी निकाल रहा है। तो भाई भाई की जो BMW बाइक है ना मतलब तो मुझे बहुत पसंद है, बट मेरे साथ उसमें एक ही इशू है थोड़ा सा। मुझे ऐसा फील होता है कि यार मेरी हाइट का इशू पड़ जाता है उसमें, जिस वजह से मुझे उसको चलाने में और उसके बारे में सोचने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यार कोई फ़ायदा नहीं, मैं बार बार नीचे गिरता रहूँगा उससे। मैंने गाड़ी लगा ली। हाँ इससे खाएगा? ये थोड़ी है, वो उससे खाते हैं। तो भाई हम वहाँ से मोमोज़ खा रहे हैं, पहले मोमोज़ खाते हैं आज। और वो जो रेड रेड चमक रही है वो अजय की गाड़ी है। तो फाइनली गाइस घर पहुँच गया मैं। चल वो बोल दे जरा, मिक्की माउस बोल दे। मिक्की माउस, मिकी माउस, मिकी माउस, मिकी माउस, चल जरा एक बार वो बोल दे। चलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर दिखाओ बीबी, क्या दिखाऊं? बीबी बीबी किसकी बीबी? मम्मा मम्मा, वो है मम्मा, वो है वो है, दिख रही है मम्मा? पापा वहां बैठे थे। पापा पापा मालिश करो सर की।